हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। ये है ट्यूटोरियल नंबर 16 और इसमें हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि नाम सेम होता है बट सिग्नेचर डिफरेंट होता है। बट जब हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की तो इसमें नाम भी सेम होता है और सिग्नेचर भी सेम होता है। इसमें डिस्टिंग्विश कैसे होता है कि इसमें एक मेथड होता है बेस क्लास में और दूसरा मेथड होता है डिराइव क्लास में। अब जब हमने सिंगल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कवर किया था तो हमने कहा था कि जो बेस क्लास का मेथड है वो डिराइव क्लास के अंदर विदाउट डिक्लेरेशन और विदाउट डेफिनेशन, गिविंग द डेफिनेशन, आप उसको एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो इनहेरिट होता है ऊपर से। बट अगर इन स्पाइट ऑफ इनहेरिटिंग दैट पर्टिकुलर मेथड, अगर आप उसको दोबारा से डिक्लेयर और डिफाइन कर दो तो वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। दैट मींस जो बेस क्लास का मेथड है आप उसको ओवरराइड कर रहे हो डिराइव क्लास के अंदर। सो इन मेथड ओवरराइडिंग द डिराइव क्लास ओवरराइड्स द मेथड विच इज डिफाइंड इन द बेस क्लास। सो इन दिस द मेथड्स हैव सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर। वर्चुअल कीवर्ड इज़ यूज इन बेस क्लास एंड ओवरराइड कीवर्ड इज़ यूज इन डिराइव्ड क्लास। सो बेस क्लास के अंदर आपको वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना है और डिराइव्ड क्लास के अंदर आपको ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करना है फॉर मेथड ओवरराइडिंग। सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ दिस मेथड ओवरराइडिंग। तो अभी तो हम सिंपल देखेंगे एक सिंपल मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है विदाउट यूजिंग एनी वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट। सो एक मैं क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास ए। इसके अंदर सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक void m1। इसमें हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन ऑफ बेस क्लास। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम मैंने लिखा मेथड ऑफ बेस क्लास। सो नाउ लेट अस क्रिएट वन मोर क्लास, पब्लिक क्लास बी, जो ए क्लास को इनहेरिट करेगी। और अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं लिखता इसके अंदर। ठीक है, सो अभी इसको ब्लैंक छोड़ा है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। सी क्लास के अंदर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ से मैं इस m1 मेथड को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्योंकि जो m1 मेथड है वो बी क्लास के अंदर कहाँ से डिराइव हुआ है, क्लास ए से। सो बेसिकली जब आप बी क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करोगे तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला मेथड। ठीक है ना, तो इफ यू ट्राई टू रन दिस वी विल गेट द आउटपुट एज मेथड ऑफ बेस क्लास। सो एक बार इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है, मेथड ऑफ बेस क्लास। अभी मेथड ओवरराइडिंग अचीव नहीं हुई है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड्स इन इनहेरिटेंस। नाउ वट विल बी द सिनेरियो ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, अगर मैं डिराइव क्लास के अंदर m1 को दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये बेस क्लास की डेफिनेशन को ओवरराइड कर देगा। सो नाउ दिस इज द मेथड ऑफ डिराइव क्लास। ठीक है, अब जब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, अब कॉल होगा ये वाला मेथड, क्योंकि इसने क्लास बी ने ए क्लास के m1 को ओवरराइड कर दिया। दिस इज द मेथड ओवरराइडिंग। सो नाउ लेट अस रन दिस। सो अब क्या मिल रहा है आउटपुट आपको, मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। अब इसी में कई बुक्स में और ट्यूटोरियल की साइट्स पर आप देखोगे कि वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड का भी यूज किया होता है। उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको वर्चुअली डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्चुअल। सो पब्लिक void वर्चुअल m1 एंड इन दिस वी हैव टू राइट ओवरराइड। ठीक है, सो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू इट। सो अब जब इसको रन करोगे तो यू विल गेट द सेम आउटपुट, मेथड ऑफ डिराइव क्लास। इट डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन द बुक और द कॉन्सेप्ट दैट यू आर फॉलोइंग, बट जो कॉन्सेप्ट है मेथड ओवर राइडिंग का, वो क्या है कि जो आपकी डिराइव क्लास है या चाइल्ड क्लास है वो बेस क्लास के मेथड को ओवर राइड कर देती है. ठीक है, सो दिस इज मेथड ओवर राइडिंग. नाउ नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स दैट वट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग, तो आपको बहुत सिंपल सा बताना है कि मेथड ओवरलोडिंग में नेम सेम होता है बट सिग्नेचर डिफरेंट होता है, जबकि मेथड ओवरराइडिंग में नाम भी सेम होता है और सिग्नेचर भी सेम होता है. तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है तो डिफरेंस और बताओ कुछ इसके अंदर, तो आप कह सकते हो कि मेथड ओवरलोडिंग विद इन अ सेम क्लास हम करते हैं, जबकि मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम इनहेरिटेंस के केस में यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स.